रायबरेली में सावन में शिव मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या हो गई। पुजारी की हत्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। मामला डी थाना क्षेत्र के कमालपुर बड़ेला गांव का है, जहां देर रात शिव मंदिर की पुजारी मिड़ई उम्र 65 वर्ष की देर रात अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीण शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए तो पुजारी का शव मंदिर की गैलरी में पड़ा मिला। पुजारी के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आगे की कार्यवाही में जुट गई। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। पिताजी का क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही कमालपुर बड़ेला में सर। क्या घटना घटी है आज यहाँ पर? यहाँ पे सर यानी कि इसी को मारने की वजह से आए, हमारी नजर में तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए सर। क्या घटना घटी है, जो जिनकी हत्या हुई क्या कौन है? हमारी नज़र से सर हत्या कराई गई है या की गई है, जिसने क्या लगता है आपको? हमारे तो एक काका लगे। काका लग रहे? काका लगे। क्या नाम था इनका? मेड़ई। मेड़ई। इनके पिता क्या नाम था जी? इनके पिता क्या नाम था? इनके पिता का तो नाम नाम लधई। लधई। कितनी उम्र रही होगी इनकी? क्या जी सर? कितनी उम्र रही होगी इनकी? 62 लगे सर। 62-65 है पैसा। किन्हीं लोगों को शक जी? किन किन लोगों को शक है? कोई शक है सर? शक के बारे में हमें मालूम ही नहीं, हम कैसे कह दें, क्योंकि हम भी अपने गांव में जब किसी को देखे तो कैसे कमालपुर वाला क्या परिचय भैया जी आपका? आपका क्या नाम है? कैलाश नाथ। पिताजी का क्या नाम है? ब्रह्मदत्त। कहाँ के रहने वाले हो? कमालपुर बड़ेला है। क्या घटना घटी है आज यहाँ पर? अब घटना भाई अभी सुबह सुबह मालूम हुआ सब। क्या मालूम है? अरे कुछ साधु को वहाँ मार दिए। साधु को मार दिया? अभी सूचना मिली? हाँ हाँ भाई। तो ये घटना रात की है? अब रात के हो गए कि नहीं? अब रात के है ही है, शक हो रहे हैं रात में। कौन, क्या नाम था इनका साधु का? मेड़ई का। और इनके पिताजी का? लोधई। लोधई। कितनी उम्र रही होगी लगभग? उम्र कम से कम 65-65 साल। ये गांव से बाहर रह रहे थे क्या? यहीं रहते रहे गांव में, अपन चले जाते रहे, ज़्यादातर यहीं रहते, ज़्यादातर यहीं रहते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? माया। पति क्या नाम है? क्या कहाँ के रहने वाली हैं? क्या घटना घटी है आज यहाँ पर? अब साहेब हम सब घर में रहें, पता नहीं कहाँ लगावे आए तब लगावे आए। जो मृतक हुए हैं कौन है आज के? काका है। कैसे घटना घटी है क्या जानकारी मिली? अरे संध्या के पहुने आए खाए पी के वही लगावे आए तो चांद कहीं ना साहेब। आप आपको कैसे सूचना मिली? देखिए थाना डी क्षेत्र के ग्राम कमालपुर भेड़ा के निवासी हैं फूलचंद। इन्होंने आज लगभग 8 बजे थाना अध्यक्ष को सूचना दी कि इनके पिता मेड़ई, जो अपने गांव से कुछ दूर पर इनका खुद का एक मंदिर है वहां रहते हैं, आज सुबह मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर हमारी फोरेंसिक की टीम और स्थानीय थाने की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर जहां ये सो रहे थे उनके बिस्तर जले हुए थे, इनके वस्त्र भी जले हुए थे और इनके शरीर पर जाहिरा कोई चोट तो नहीं पाई गई थी, तो जिससे देखने से संभावना ये प्रतीत हो रही है कि दुर्घटना बस इनकी मृत्यु हो गई है। फिर भी इनके पंचायतनामा भरा करके वास्तविक कारणों के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों द्वारा जो भी सूचना दी गई है उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।